सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामपुर के मौजूदा विधायक कदावर नेता आजम खां के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। पूर्व में हुई एनएसए की कार्रवाई के बाद कटघर पुलिस ने यूसुफ और उनके भाइयों को गैंगस्टर एक्ट के तहत पाबंद किया था। यूसुफ मलिक सहित 6 लोगों पर आरोप है कि वो आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। गैंगस्टर एक्ट में पाबंद होने के बाद यूसुफ मलिक के जेल में रहने की अवधि और बढ़नी तय है। इस मामले में एसएसपी हेमंत कुटियाल के मुताबिक पूर्व में चल रहे कई मुकदमों के अलावा नगर निगम की महिला अधिकारी से अभद्रता करने के मामले में मामला दर्ज किया गया था। एनएसए में पाबंद किया गया था। यूसुफ मलिक के 5 अन्य साथियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है। उनके मुताबिक यूसुफ मलिक पर पहले से 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले वक्त में इनकी संपत्ति की जांच भी की जाएगी। यूसुफ मलिक पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, उसके 5 सदस्य गैंग के उसकी कार्रवाई की गई। इससे पहले ही एनएसए में इस पे प्रिवेंशन की कार्रवाई हो चुकी है। 2021 में इस पर मुकदमा लिखा गया है, 19 संख्या मुकदमा संख्या पर मुकदमा लिखा गया है। और ये पहले भी नगर निगम कार्यालय में जाके वहाँ धौंस दसा के लोग को डरा के धमका के कार्रवाई कराने का प्रयास करता था। इस पर कड़ी कठोर कार्रवाई की गई। इस पर पूर्व में करीब 21 मुकदमे इस व्यक्ति पे पहले के केसेस हैं जो ODS लिखे गए, और शीघ्र ही इस पर क्या कहते हैं जब्तीकरण जो इसके क्रियाकल्प की वजह से इसने गलत धन अर्जित किए हैं उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, और जिलों में भी इसके ऊपर मुकदमा है, कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी? हाँ, और जिलों में भी इनकी विवेचना है जो विचाराधीन है न्यायालय में, उस पर वो ज्यूडिशियल प्रोसेस। गौरतलब है कि अमूमन सुर्खियों में रहने वाले यूसुफ मार्च में तब अचानक नए विवाद में आए जब नगर निगम के अपर आयुक्त को धमकी देने का आरोप उन पर लगा। कटघर पुलिस ने उन पर गंभीर धाराएं मुकदमे दर्ज किए, यहां तक कि सपा नेता पर एनएसए की कार्रवाई तक की गई। हालांकि सपा नेता ने खुद को आरोपों से बेकसूर बताया। सपा नेता अब जेल में है। सपा नेता ने हत्या के प्रयास में चल रहे मुकदमे में खुद को रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सपा नेता और उनके भाइयों पर कानूनी शिकंजा कसने के इरादे से कटघर पुलिस ने सभी को गिरोहबंद अधिनियम के तहत पाबंद किया था। वही पुलिस के मुताबिक यूसुफ मलिक, यूनुस मलिक, तारीफ उर्फ तारीख और आसिफ निवासी मोहल्ला अस्तरमूल निवासी ग्राम हरथला मंगल का बाजार थाना सिविल लाइंस जनपद मुरादाबाद के अलावा जमाल हसन और दानियाल निवासी मोहल्ला शिवपुरी डबल फाटक थाना कटघर संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं।